हे दोस्तों, आजकल ट्विटर की बातें बहुत ज्यादा न्यूज में छाई हुई है कि कैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर को पूरा टेक ओवर कर लिया है, कैसे उन्होंने पराग अग्रवाल जी को सीईओ के पोजीशन से निकाल दिया और कई सारे लोगों को वो फायर करते जा रहे हैं। प्लस और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है, लाइक वो ब्लू टिक मार्क के लिए $8 चार्ज करने वाले हैं पर मंथ, और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हो रही है ट्विटर में। चलो, ये सारी चीजें तो अभी हो रही है, बट एक्चुअल में ये सब चीज की ओरिजिन कैसे हुई, कौन था एक्चुअल में ट्विटर का फाउंडर। कई सारे लोगों को लगता है कि जैक डॉर्सी ने ही ट्विटर को फाउंड किया था, बट ये बात कंप्लीटली सच नहीं है। उसके पीछे की स्टोरी क्या है, चलो आज इस वीडियो में ये देखते हैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंट बातें ट्विटर के बारे में सीखते हैं जो पक्का आपके काम की होगी और आपको समझना भी चाहिए। ठीक है, अभी आपको जो स्क्रीन पे इमेज दिख रही है उसे जरा गौर से देखो। अब आप बोलोगे यार ये इस इमेज में ऐसी खास बात क्या है, तो वेल इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। बेसिकली बात ना 2-3 साल पहले की है, जब बर्गर किंग के अकाउंट से, जो ट्विटर का अकाउंट था ना, उसने अचानक से केसी नाइस्टैट, जो कि एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है बाहर के, उनके अकाउंट पे जाके उन्होंने उनके जो पोस्ट थे ट्वीट से उनको लाइक करना स्टार्ट कर दिया। अब ना ऑब्वियसली ये चीज़ है ना, केसी नाइस्टैट को काफ़ी वियर्ड लगी, इसलिए उन्होंने ट्वीट भी करा कि आई डोंट नो वाई इज बर्गर किंग लाइकिंग माई 8-year-old ट्वीट्स। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बात सिर्फ केसी नाइस्टैट की नहीं थी, बर्गर किंग ने ना ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ किया था। वो अचानक से जाके 2010s के जो ट्वीट थे ना लोगों के, वो जाके वो लाइक कर रहे थे, जिसकी वजह से सभी लोगों को ना नोटिफिकेशन जाने लग गए कि बर्गर किंग लाइक्ड योर ट्वीट। और क्योंकि इतना वियर्ड सा सिचुएशन था, इसलिए क्या हुआ कि लोग है ना इस इंसिडेंट के बारे में बात करने लगे, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थे कि एक्चुअली में 10 साल पुराने पोस्ट को लाइक करा क्यों जा रहा है। इसीलिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी आई, और ये क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए ही वो लोग अपनी स्टोरीज पर डालने लगे, पोस्ट करने लगे, और ये जो इंसिडेंट था पूरा, ये बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। कई सारे न्यूज़ चैनल्स इसके बारे में आर्टिकल्स लिखने लग गए, कई यूट्यूबर्स ने इसके बारे में वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया, प्लस हजारों लोगों ने इस बारे में ट्वीट करने लगे। हर कोई ये जानना चाहता था कि ऐसा बर्गर किंग कर क्यों रहा है। तभी कुछ टाइम बाद बर्गर किंग ने एक ट्वीट करा जिसमें उन्होंने लिखा कि सम थिंग्स फ्रॉम 2010 आर वर्थ रिविजिटिंग, लाइक योर ओल्ड ट्वीट्स एंड फनल केक फ्राइज, गेट देम नाउ फॉर अ लिमिटेड टाइम। नाउ बेसिकली यहाँ वो अपने फनल केक फ्राइज को सेल करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मार्केटिंग कर रहे थे, जिसे उन्होंने 2010 में लॉन्च करा था। नाउ उन्हें ऑब्वियसली ये चीज पता थी कि जब वो लोग 10 साल पुराने ट्वीट्स को लाइक करेंगे तो लोग बड़े ही कंफ्यूज हो जाएंगे। और बस ऐसे ही उन्होंने ट्विटर का यूज करके, एक इंटरेस्टिंग मार्केटिंग गिमिक का यूज करके, मिलियंस ऑफ लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर दी, वो भी एकदम फ्री में। जहां उनके कॉम्पिटिटर्स मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड कर रहे थे, बर्गर किंग ने सिर्फ स्मार्टली ट्विटर का यूज करा और अपने सेल्स को 50% इंक्रीज कर दिया। और ये तो बस एक इंसिडेंट की कहानी है। ऐसी अगर आप देखोगे ना, तो ऑडी का हैशटैग वॉन्ट एन R8 कैंपेन, कोकोकोला का हैशटैग शेयर कोक, स्टारबक्स का @ट्विटर कॉफी, ये सब चीजें काफी फेमस हुई थी ट्विटर से ही। इनफैक्ट ईयर 2012 के ओलंपिक्स में, जिसके टाइटल स्पॉन्सरशिप एडिडास की थी, जिन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके जीती थी, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात होती है, उस टाइम पे भी नाइकी का #FindGreatness कैंपेन, इसकी ज्यादा बात हो रही थी, जबकि एडिडास ने बहुत सारा पैसा खर्च किया था टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए, बट स्टिल नाइकी के बारे में लोग ज्यादा बात कर रहे थे बिकॉज नाइकी ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था। और ये सारा पावर है, आप बोल सकते हो, ट्विटर का। ट्विटर को आज के टाइम पे दुनिया के सबसे बड़े बड़े मिलियनेयर्स, बिलियनेयर्स, कंट्री के प्रेसिडेंट्स, सबको यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। एक छोटे स्टार्टअप से लेके मल्टीनेशनल जाइंट्स ट्विटर का यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। क्यों? बिकॉज सच में ट्विटर बहुत काम की चीज है। और इसीलिए मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप ट्विटर यूज करते हो अपना पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए? अगर नहीं करते हो तो जरूर करो, ट्विटर एक बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है। तो अगर आप ट्विटर यूज नहीं करते तो करना स्टार्ट करो, अगर करते हो तो अच्छी बात है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी, मुझे भी जाकर ट्विटर पर जरूर फॉलो करना, वहां पर मैं काफी एक्टिव रहता हूँ, वहां पे आप मुझसे बात भी कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए वापस से वीडियो पे आए तो, निक पिल्टन की एक बुक है हैचिंग ट्विटर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ मनी पावर फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल। इस बुक से भी मैं आपको ट्विटर की स्टोरी थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूँ, जिसे आप बोल सकते हो आपको ट्विटर की एक केस स्टडी भी मिल जाएगी और कई सारे लेसन्स भी मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, बड़ी कंपनीज क्रिएट करने के लिए, बड़ी बड़ी चीजें करने के लिए। इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके लेसन्स नहीं गिनाने वाला हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को सिर्फ एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ ट्विटर की। और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताना कि इस पूरी ट्विटर की स्टोरी से आपने क्या क्या लेसन सीखे हैं और क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं ट्विटर की स्टोरी से, द राइज ऑफ ट्विटर। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोगों को लगता है ना कि ट्विटर की जो शुरुआत थी ना, वो जैक डॉर्सी ने की थी अकेले। नाउ ये चीज कंप्लीटली ट्रू नहीं है, जबकि फैक्ट तो ये है कि ट्विटर की शुरुआत 4 लोगों ने मिलकर करी थी, जिन चारों की अपनी अपनी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इन चारों में से पहले कैरेक्टर जो आते हैं वो है इवन विलियम्स, एक 25 साल के नौजवान जो 1997 के टेक बूम में कैलिफोर्निया आए थे, जहां उन्होंने इंटेल और HP जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए काम करा था। इसके बाद वो सैन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए थे, जहां उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंपनी बिल्ड करी, एक वेब बेस्ड डायरी जैसा कुछ बनाया जहां लोग अपने वर्क प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते थे। इसे उन्होंने ईयर 1999 में ब्लॉगर नाम से लॉन्च करा, जहां इंटरनेट पर कोई भी आके ब्लॉग क्रिएट कर सकता था, जैसे आज लोग करते भी हैं। तो ये चीज काफी इंटरेस्टिंग थी, इसलिए ही ब्लॉगर की जो पॉपुलैरिटी वो ग्रो होने लग गई, और ईयर 2002 तक इवन को इससे पैसे भी अच्छे खासे आना शुरू हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कई सारे प्रोग्रामर्स को हायर किया और एक छोटा सा ऑफिस भी ले लिया। और बस ऐसे ही वो देखते देखते
1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के ब्लॉग्स को स्टोर करने लगे। ब्लॉगर की सक्सेस को देखते हुए इवन के बारे में कई सारी प्रेस न्यूज आर्टिकल्स आने लग गए। नाउ यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज भी, इवन का ना एक पड़ोसी था जिनका नाम था नोहा ग्लास। नोहा ग्लास एक दिन फॉर्च्यून मैगजीन पढ़ रहे थे जिसमें इवन का एक आर्टिकल आ गया था। नाउ इवन को ऑब्वियसली वो जानते ही थे, रोज देखते ही थे, इसलिए वो फॉरन इवन को पहचान गए, जिसके बाद नोहा फॉरन इवन से मिलने चले गए उनके घर पे। उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस करा और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जिसके बाद नोहा ने इवन को बताया कि जो गूगल कंपनी है वो ब्लॉगर्स को खरीदने में इंटरेस्टेड है, जिसके बाद नोहा की हेल्प से ही फिर ईयर 2003 में उनकी डील हो भी गई और गूगल ने ब्लॉगर को खरीद लिया, जिसके बदले नोवा को टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले। नाउ गूगल के एक्विजिशन के बाद इवन को ब्लॉगर के काम करने में कोई मजा नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने ब्लॉगर को छोड़ दिया, जिसके बाद फिर उन्होंने नोवा के एक ऑडियो ब्लॉगिंग प्रोजेक्ट को फाइनेंस करा। नाउ इन दोनों ने मिलके इस कंपनी का नाम रखा ऑडियो, जिसे उन्होंने ऑडियो पॉडकास्टिंग बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। नाउ एक दिन ऑडियो के ऑफिस के बराबर ही एक कॉफी शॉप थी जहां पे जैक डॉर्सी, जो कि एक सेल्फ टॉट प्रोग्रामर थे, वो अपना कुछ काम कर रहे थे। नाउ वहां जो जैक थे ना, उन्होंने इवन और नोवा को बात करते हुए सुन लिया कि वो लोग हायरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद जैक ने अपना सीवी इवन को मेल करा और जैक को फॉरन एज अ फ्रीलांसर प्रोग्रामर हायर कर लिया गया, बिकॉज ही वॉज टैलेंटेड। नाउ इसके बाद जैक ने बहुत ही एक्सीलेंट काम करा, इसकी वजह से आप बोल सकते हो यहाँ 2 से 3 को फाउंडर्स हो गए। अब बस चौथा को फाउंडर बचा। चौथा को फाउंडर था ना, उनका नाम था बिस्टोन, जो कि गूगल के एम्प्लॉय थे। नाउ ये कॉन्टेक्ट में आए थे इवन के साथ जब वो गूगल के अंडर ब्लॉगर में काम कर रहे थे। नाउ इन दोनों के बीच में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, पर इवन के जाने के बाद उन्हें भी ब्लॉगर वेबसाइट पर काम करने मजा नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी गूगल की जॉब तक छोड़ दी, जहां उन्होंने अपने $2 मिलियन के गूगल स्टॉक के ऑप्शंस को भी सैक्रिफाइस करा और इसके बदले उन्होंने ऑडियो को ज्वाइन कर लिया। नाउ ये चारों स्मार्ट लोग मिलकर काम तो कर रहे थे, लेकिन बहुत काम करने के बाद भी ऑडियो ना कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, कुछ सक्सेस मिल नहीं पा रही थी, जिसका मेन रीजन यही था बिकॉज ऑथर बताते हैं कि वो लोग एक ऐसे प्रोडक्ट बना रहे थे जिसे ना वो खुद यूज करते थे, ना कि उनकी टीम का कोई भी मेंबर यूज करता था। वो चारों लोग एक ऐसा प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे थे जिसके लिए वो खुद पैशनेट नहीं थे, जिसकी वजह से फिर इवन और नोवा में कई सारे क्लैश भी होने लग गए। नाउ कंपनी ऑलरेडी अपने डेथ बेड पे थी, खत्म होने वाली थी, बट फिर वही जून 2005 में उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा जब स्टीव जॉब्स ने पॉडकास्ट को iTunes में ऐड कर दिया, जो कि बेसिकली ऑडियो का पूरा बिजनेस था, और बस देखते ही देखते उनका पूरा बिजनेस खत्म हो गया। ना ऑब्वियसली वो एप्पल से कम्पीट कर नहीं सकते थे, जिसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो लोग इसे बंद कर देंगे, और फिर उन्होंने वही किया। अब देखो ये जो चारों थे ना, वो लोग की टीम बहुत पावरफुल थी, जिसे देखते हुए ही इवन ने सबसे कहा कि अगर किसी के पास कोई बेटर आइडिया है तो चलो उसके ऊपर काम करते हैं। नाउ यहीं पे आए जैक डॉर्सी, उन्होंने एक नए आइडिया के बारे में पिच किया जो था बेसिकली स्टेटस अपडेट से रिलेटेड। जैक ने उन्हें बताया कि वो SMS के कॉन्सेप्ट से कितने ज्यादा फैसिनेटेड थे कि कैसे हम लोग बस कुछ लिमिटेड कैरेक्टर्स में अपनी बात कह पाते हैं, बट धीरे धीरे कई सारे मैसेजेस आने की वजह से WhatsApp और ये सारी चीजें, SMS का जो ट्रेंड था ना वो खत्म हो रहा था, पर उनके अकॉर्डिंग ये अभी भी बहुत पावरफुल चीज थी जहां लोग कुछ लिमिटेड वर्ड्स में ही अपना स्टेटस शेयर कर सकते थे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं या ऐसी उनसे रिलेटेड चीजें। नाउ नोवा को भी लगा ना कि ये आइडिया लोगों को पसंद आ सकता है, जो लोगों को लेस अलोन फील कराएगा, कनेक्टेड फील कराएगा दूसरों से, जिसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया ऑडियो के ऑडियो पार्ट को पूरा फिनिश कर देते हैं और फिर उसे स्टेटस प्लेटफॉर्म बना देते हैं जहां लोग एक दूसरे को फॉलो कर सकते हैं। बिजनेस सजेस्ट करा कि इसे मोबाइल फोन में इंटीग्रेट करा जाए ताकि इस प्लेटफॉर्म को लोग आसानी से यूज कर सके, और इस तरह से शुरुआत हुई ट्विटर की, जिसका नाम नोवा ने ही सिलेक्ट किया। अब इन चारों ने मिलकर ऑडियो के अंडर ट्विटर पे तो काम करना शुरू कर दिया, पर अभी भी उन्हें इतना कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा था, इसलिए ऑडियो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया था जहां इवन अपने साथ के लोगों को निकालने के लिए मजबूर हो गए थे। प्लस अगेन इतना स्ट्रेस और प्रेशर में काम करने की वजह से चारों लोगों के अंदर ना बहुत क्लैशेस भी होने लग गई थी, जिसके बाद इवन ने नोवा को कंपनी छोड़ देने के लिए बोल दिया। इनफैक्ट जैक ने भी ये चीज उन्हें बोल दी थी, इट्स आइदर मी और हिम, या तो मुझे चुनो या तो इसे। और ऐसी ना कंपनी के कई सारे लोगों को नोवा से काफी तकलीफ थी, जिसकी वजह से ही नोवा को फोर्सफुली अपनी कंपनी से रिजाइन करना पड़ गया, जिसके बाद उन्होंने ऑडियो और ट्विटर दोनों छोड़ दिया। अगर आज भी आप नोवा के ट्विटर अकाउंट पे जाके देखोगे ना, तो उसके अंदर देखो लिखा हुआ मिलेगा कि आई स्टार्टेड दिस, मतलब कहीं ना कहीं ट्विटर उन्होंने स्टार्ट किया था, ये वो बोलते हैं। नाउ नोवा के जाने के बाद ट्विटर में कई सारे स्मॉल इंप्रूवमेंट्स होना शुरू हुए। फाउंडर्स की ये कोशिश थी कि वो इस ऐप को जितना हो सकता उतना सिंपल बनाए, जो फिर उन्होंने किया भी, और लोगों को ये चीज पसंद भी आ रही थी, इसलिए फिर उन्होंने ट्विटर को प्रमोट करना भी स्टार्ट करा, उसकी मार्केटिंग करना भी स्टार्ट करी, जिससे धीरे धीरे ट्विटर की रीच बहुत बढ़ने लग गई। और फिर एक टाइम आया जब है ना सैन फ्रांसिस्को में एक छोटा सा अर्थक्वेक आया, तो ये पहली बार ऐसा हुआ ना कि बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी में लोग ट्वीट करने लग गए, जिसकी वजह से ट्विटर के फाउंडर्स को ये रियलाइज हो गया ना कि एक दिन ट्विटर सोशल मीडिया के साथ साथ न्यूज शेयर करने में भी बहुत काम आएगा। और देखते ही देखते ट्विटर की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई, कई सारी न्यूज मीडिया ट्विटर्स के बारे में बात करने लग गए, इन्वेस्टर्स, टेक एंथुजियास्टिक सब ट्विटर में काफी इंटरेस्ट लेने लग गए। अब इसी बीच में जैक, जिनका ये ओरिजिनल आइडिया था, उन्होंने ट्विटर में कई सारे चेंजेस करे,
जैसे कि उन्होंने ट्विटर की लिमिट को 140 कैरेक्टर से सेट करने के बजाय 280 कैरेक्टर तक पहुंचा दिया, उसके इंटरफेस को बेटर करा और भी कई सारे डेवलपमेंट्स करे, जिसे देखते हुए ही इवन ने जैक को ट्विटर का CEO बना दिया। बिकॉज इवन भी ना कई सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे और जैक के अंडर ट्विटर बहुत अच्छा काम कर रहा था। बट अभी भी ये प्रॉब्लम थी ना कि ट्विटर रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा था। रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा था बट स्टिल ट्विटर को बहुत सारे लोग यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से याहू ने उन्हें $12 मिलियन का ऑफर दिया ट्विटर को खरीदने के लिए। बट जैक, इवन ने और बिज ने भी तीनों ने मिलकर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने कई सारे वेंचर कैपिटलिस्ट से फंडिंग रेज करी और ट्विटर को और बड़ा बनाया। आपको बताया @ और #symbol का यूज करना ट्विटर ने ही सबसे पहली बार चालू किया था, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया और लोग उसे बहुत ज्यादा यूज भी करने लग गए। जी हाँ, हैशटैग की शुरुआत ट्विटर से ही हुई थी, जिसे आज कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज भी कर रहे हैं। और फिर बस देखते ही देखते कई सारे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, फेमस लोगों ने भी ट्विटर को ज्वाइन कर लिया, जो खुद तो आए ही ट्विटर पे बट अपने साथ साथ और भी कई सारे यूजर्स को उन्होंने ट्विटर पे लेके आया। बट बात यही थी ना कि ट्विटर अभी भी अपने प्रोटोटाइप मॉडल पे ही काम कर रहा था, बट उसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज्यादा लोगों को दिख रहा था। इसीलिए ही जेफ बेजोस ने खुद भी ट्विटर में इन्वेस्ट किया, पर क्योंकि ट्विटर पैसे नहीं कमा रहा था और उनकी साइट भी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही थी, इसी वजह से ही जैक को CEO की पोस्ट से निकाल दिया गया और इवन को वापस लाया गया। नौ फरवरी 2009 तक ट्विटर के पास टोटल 30 फुल टाइम एम्प्लॉयज थे और ट्विटर का यूजर बेस जो था वो 900% हर ईयर इंक्रीज हो रहा था, जिसे देखते हुए फेसबुक ने फिर ट्विटर को $500 मिलियन में खरीदने का ऑफर दिया, पर ट्विटर ने अगेन उसे रिजेक्ट कर दिया। इंस्टेड उन्होंने फिर अपनी साइट को स्टेबल करने के बाद अपना मेन फोकस रखा कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करना, और ईयर 2009 में ट्विटर ने पहली बार रेवेन्यू जनरेट करना स्टार्ट भी किया, जहां उन्होंने सर्च इंजन जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ डील करी कि उनके सर्च रिजल्ट्स में अपने ट्वीट्स को शो करेंगे, जहां उन्हें गूगल से भी $15 मिलियन मिले और माइक्रोसॉफ्ट से $10 मिलियन। उन्होंने फिर एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, जहां उन्हें अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। इस टाइम तक ट्विटर पर हर दिन 35 मिलियन ट्वीट्स आते थे और फिर एक और फंडिंग राउंड हुआ, जिसके बाद ट्विटर की जो वैल्यू थी ना वो $1 बिलियन तक पहुंच गई थी। पर अभी भी ट्विटर के पास बस 100 एम्प्लॉयज थे, बट ये देखने के बाद भी फेसबुक ने फिर भी उन्हें $1 बिलियन का ऑफर दिया। बट अगेन, इवन के लिए भी ना बात अब पैसों की नहीं थी, ट्विटर अभी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था और वो जानते थे ट्विटर आगे भी और बहुत ज्यादा ग्रो होगा। नाउ ईयर 2010 में इवन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी लाइटली लेने लग गए थे और वो बहुत ही स्लो डिसीजन ले रहे थे, जिससे बाकी कलीग्स को भी प्रॉब्लम होने लग गई थी। इसलिए जो बोर्ड मेंबर्स थे ना, उन्होंने डिसाइड किया कि वो इवन को CEO के पोस्ट से निकाल देंगे और इंस्टेड हेड ऑफ द प्रोजेक्ट बना देंगे, जहां वो ट्विटर के लिए नए फीचर्स क्रिएट करेंगे, जो बेसिकली आप बोल सकते हो कंपनी से उन्हें फायर ही करने जैसा हो गया था। और फिर मार्च 2011 में ट्विटर के पास 450 एम्प्लॉयज हो गए थे, तब जाके फिर जैक ने कंपनी को वापस एज अ CEO ज्वाइन करा, जिसे देख के इवन ने डिसाइड किया कि वो ट्विटर को छोड़ देंगे। उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दे दी, जिसके बाद फिर बिज ने भी उन्हें फॉलो करते हुए रिजाइन कर दिया। फिर एट द एंड इन चार कोफाउंडर्स में से एक ही कोफाउंडर बचे, जैक डॉर्सी, जिनकी लीडरशिप में अगेन ट्विटर ने बहुत अच्छे ग्रोथ हासिल करी। ईयर 2012 में ट्विटर के पास 600 एम्प्लॉयज थे और उनकी वैल्यूएशन $10 बिलियन की हो चुकी थी, जहां वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से ही हर दिन $1 मिलियन कमा रहे थे। अब देखो, चारों में से सिर्फ एक कोफाउंडर बचा, उसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं, बट जैक डॉर्सी इतने आगे कैसे बढ़ पाया, उन्होंने उनकी लीडरशिप में ट्विटर इतना आगे कैसे बढ़ पाया, तो चलो थोड़ा जैक डॉर्सी के बारे में और डिटेल में समझते हैं। ऑब्वियसली ट्विटर के मेन आइडिया के पीछे जैक डॉर्सी थे, पर क्या आप जानते हैं जैक को ट्विटर का आइडिया पहली बार तब आया था जब वो NYU में अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे थे और वो अपनी कॉलेज कंप्लीट करने से बस एक सेमेस्टर दूर थे, जिसके बावजूद उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट ले लिया। जब ट्विटर लॉन्च हुआ तब उनकी एज बस 29 ईयर्स की थी। ट्विटर के साथ साथ वो एक स्क्वायर नाम की कंपनी थी, उसके भी फाउंडर थे, जो कंपनी मोबाइल पेमेंट्स में डील करती थी। नाउ जैक ईयर 2012 में ही बिलियनर बन गए थे और उनकी जो नेटवर्थ थी वो $7 बिलियन के आसपास थी। नाउ इतना पैसा होने के बाद भी आपको लग रहा होगा कि यार जैक तो एक बहुत ही लेविशिंग लाइफ जीते होंगे, पर ऐसा नहीं था। जैक ना अपने सैन फ्रांसिस्को के 2-बेडरूम मेंशन में ही रहते थे, जिसे उन्होंने $10 मिलियन में खरीदा था। वैसे तो देखो, दो सक्सेसफुल टेक कंपनी चलाने के लिए ना बहुत एनर्जी लगती है, और एनर्जी आपको लगेगा खाने से ही आती है, पर जैक बैरली ही कुछ खाते थे। जैक यूजुअली ना इंटरमीडिएट फास्टिंग बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। वो हर दिन ब्रेकफास्ट और लंच को स्किप कर देते थे और मंडे से थर्सडे तक वो शाम के 6:30 बजे से लेकर 9 बजे तक कुछ भी खाते नहीं थे। और इतना ही नहीं, फ्राइडे से संडे तक वो कंप्लीट फास्ट रखते थे, जहां वो सिर्फ पानी पे जीते थे। नौ जैक बताते हैं ना कि जब उन्होंने पहली बार इंटरमीडिएट फास्टिंग करी थी ना, तो उन्हें चक्कर आने लग गए थे, पर अब ये उनकी हैबिट बन गई थी, जो उन्हें और ज्यादा फोकस्ड रहने में हेल्प करती है। जैक लिटरली वो सारे हैबिट्स फॉलो करते हैं जिन्हें कई सारी बुक्स हमें सिखाती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो एक हाईली प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल इंसान है। वो एक अर्ली राइजर है, जो सुबह 5 बजे उठता है, शावर लेता है, 1 घंटा मेडिटेशन करता है, और स्ट्रिक्टली वीक के 2 दिन ऑफ लेता है। सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक वो ट्विटर के हेड ऑफिस में काम करते हैं, जिसके बाद वो स्क्वायर के ऑफिस में जाते हुए 6 से 7 बजे वहां काम करते हैं।
एक और इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि वो कभी भी बैठ के काम नहीं करते, उनके ऑफिस में एक स्टैंडिंग डेस्क है जिसका वो हमेशा यूज करते हैं, प्लस वो घर जाके फिर वर्कआउट भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, और एक घंटा फिर मेडिटेशन करते हैं, जर्नलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर अपने नेक्स्ट डे को शेड्यूल करते हैं। इतनी सारी चीज़ें ये बंदा करता है, तो ऑब्वियसली इसके जैसे आप बोल सकते हो जैक डॉर्सी का जो कैपेबिलिटीज़ है, एनर्जी है, प्रोडक्टिविटी है, वो इतनी हाई रहती है। बस यही थी वो पूरी स्टोरी। अब मैं चाहता हूँ कि आपने ये पूरी स्टोरी से और जैक डॉर्सी की कहानी से क्या क्या चीज़ें सीखी है। जो चीज़ें आपको लगता है आपको भी फॉलो करना चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप ट्विटर यूज़ नहीं करते हो तो ट्विटर ज़रूर यूज़ करो, और अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो तो मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर आप मुझे मैसेज ये सब भी डाल सकते हो, ठीक है? तो नीचे लिंक दी हुई है, वहाँ पर जाकर आप मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो करो। ट्विटर नहीं यूज़ करते हो तो ट्विटर यूज़ करना स्टार्ट करो, यहाँ से आप ना ट्विटर का यूज़ करके आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अच्छी बना सकते हो, जो चीज़ मैं भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं ट्विटर पर, अभी के लिए इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप हर हफ्ते फ्री में देखते रहना चाहते हो, बुक की समरीज देखते रहना चाहते हो, केस स्टडीज देखते रहना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और जितनी भी चीज़ें आप करते हो लाइक कमेंट शेयर वो सारी चीज़ों के लिए आपका थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।